प्रस्तुत वीडियो में दिखाए गए नियुक्ति एवं आसीन सभी व्यक्ति हमारे लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितना कि आपके। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को केवल और केवल पढ़ाई के मकसद से याद करने के लिए ही देखें। हम शुरू से ही आपके पढ़ाई को आसान बनाने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते आ रहे हैं। कृपया मेरे किसी भी शब्द या वाक्य को अन्यथा में ना लेवें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मैं चंदन आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ करंट अफेयर की बेहद बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। यह वीडियो है महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए। तो इसमें हम जीके ट्रिक्स से आपको सब कुछ याद कराने वाले हैं, सभी अप टू डेट हैं आपको मैं बता दूं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe our YouTube channel Study Corner, press the bell icon and never miss any update. तो आपके सामने ये सभी लिस्ट हैं जिन्हें हम वन बाय वन कोरिलेट करके फनी वे में बहुत इजी मेथड से याद करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन भी ना हो, बहुत इजीली एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन टिक हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पांच पॉइंट है, ये हर किसी को ज्ञात है, जो कि है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के रूप में, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो ये सभी हर किसी को ज्ञात है, इसमें ट्रिक लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये हैं वाइस चेयरमैन, और इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव से सिंपल से मैंने वर्ड निकाला राजीव होना, और वाइस चेयरमैन वॉइस नहीं वाइस होता है, एक्चुअली मेरा ट्रिक में ही वॉइस है, तो वॉइस ले लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे नीति, नीति नियम है ना, तो नीति नियम जो भी हो या तो लिखित रूप में होगा, नहीं तो वॉइस के रूप में होगा। हम तभी तैयार होंगे जब वो सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ हो रहा है, हमें नीति मिला है कि नीति पॉलिसी क्या क्या है, उसे हमने वॉइस के रूप में सब कुछ सुना, सुनने के बाद अच्छा लगा, तभी जाकर हम क्या हुए, तैयार हो गए, राजी हो गए। तो हमने क्या क्या जाना, नीति फॉर नीति आयोग, वॉइस सुना मैंने यानी कि वॉइस चेयरमैन, और इसलिए हम लोग क्या हुए, राजी हुए, यानी कि राजीव कुमार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के सीईओ, और ये हैं अमिताभ कांत। ठीक है, इस बार हम नीति है, ठीक है, नीति इस बार किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, कि नीति कोई लड़की का नाम है, सुना होगा आपने। सीईओ को कर लेते हैं हम सेव, सेव सेव तो आपने खाया होगा ना, सेव। तो नीति के पास सेव है और बुला रही है कि अमित, देखिए अमित आओ, और क्या करना है, कांत भी लगा हुआ यानी कि काट। तो ये अमित आओ, ये सेव काट, तो खाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सेव याद रखिएगा, और किसी को बुलाया जा रहा था अमित आओ वर्ड लगा हुआ, अमिताव कांत यानी कि काटने की बात, तो यहाँ से फनी हो जा रहा है, बोलने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, और ये हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो शरद वर्ड है, शरद मतलब क्या, कोल्ड, कोल्ड सीजन जो होता है उसे शरद ऋतु बोलते हैं, कोल्ड। और यहाँ पे जस्टिस में देखेंगे आइस वर्ड लगा हुआ है, आइस मतलब कि ये भी कोल्ड की बात हो रही है ना, तो ये दोनों ही रिलेटेड, यहाँ पे आइस और आप देखेंगे यहाँ पे शरद, तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। बाकी आपका ऑप्शन काम करेगा, तो आपको तो सिर्फ मैंने बताया था शुरू में एक हिंट चाहिए होता है जो कि शरद के रूप में है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये है सुनील अरोड़ा। देखिए कुछ ट्रिक सिंपल सा अगर आपको दिख जाता है तो वैसे ही बना लीजिए। चुनाव में हम देखेंगे चुन वर्ड, ठीक है, और सुनील में हम देखेंगे सुन वर्ड, चुन सुन दोनों से ही हम बना लें, चुन फोर चुनाव, सुन फोर सुनील अरोड़ा, बहुत सिंपली, ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट भारत के सॉलिसिटर जनरल, और ये हैं तुषार मेहता। ओके, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं एक गाली की तरह है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो वर्ड है ये भी एक गाली की तरह है, तो ध्यान से समझिए। सॉलिसिटर किसी को बोला जा रहा है और कह रहा है कि मैं सॉलिसिटर नहीं, तुषार, समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये है के वेणुगोपाल। इनके नाम में वेन वर्ड छिपा हुआ है, वेन मतलब क्या होता है, गाड़ी। अगर पोस्ट में देखें तो यहाँ भी एक वेन है, कौन सा वेन है,
ये है ऑटो, ऑटो फॉर अटॉर्नी जनरल। तो ऑटो भी क्या है, एक तरह का वैन है। तो जैसे ही हम ऑटो देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल याद आएगा, और ऑप्शन में देखेंगे तो हमें वैन भी याद आएगा, वैन फॉर वेणुगोपाल। तो बिल्कुल छूटने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, और ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखना बेहद आसान होगा क्योंकि इनका नाम में गिरी मतलब क्या होता है, हिमालय। चलिए मैंने हिमालय यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चंद्र मुर्मू, चंद्र मुर्मू यानी कि चंदा मामा, चंद्र मतलब चांद होता है, अब मुर्मू यानी कि मामा कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने चंदा मामा बना दिया। CAG को हिंदी में पढ़े तो क्या होगा, काग, कैग, काग। काग मतलब क्या होता है, कौआ, तो मैंने यहाँ पे कौआ भी ड्रॉ कर लिया। तो बचपन में हम लोग ऐसे ही पिक्चर ड्रॉ करते थे, पहाड़, यहाँ पे सूर्य होते थे और इधर चिड़िया उड़ा देते थे, तो ये सभी काग हैं, काग फॉर CAG। और बाकी ऑप्शन में आपको देखना है क्या क्या, ये गिरी और चंद्र मुर्मू। बहुत ईजी है, याद रखना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, BCCI के अध्यक्ष अभी कौन है, सौरव गांगुली, ठीक है। तो सौरव में आपको 100 वर्ड देखना है, 100, और BCCI में BC वर्ड है यानी कि 20 वर्ड, दोनों अंक से रिलेटेड है, BC 100, सौरव गांगुली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA शॉर्ट में हो जाएगा, और ये हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल में दो भाल ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, दो भाल, अगर एक पाई और लगा देते दो भाला। राजा महाराजा के समय में जो भी सैनिक हुआ करते थे उनके हाथों में भाला हुआ करता था, इसी भाला से वो राजा को सुरक्षा देते थे और राज्य की भी सुरक्षा करते थे। तो अजीत डोभाल के केस में भी वही है, वो प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा देखते हैं और पूरे देश का भी, जब भी आफत विफत आए उसमें भी सुरक्षा का सलाह प्रधानमंत्री को देते हैं। तो दो भाल में, दो भाला वाली बात, सुरक्षा वाली बात बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन कौन बनी है, रेखा शर्मा। यहाँ पर रेखा मतलब होता है मर्यादा की रेखा, अगर हम समझें आत्मसम्मान की रेखा, मर्यादा, तो जो भी है इन सब के लिए ही महिला आयोग का स्थापना किया गया है कि कहीं महिलाओं के आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचा दे, इनकी मर्यादा की रेखा को कोई लांघ ना दे, इसीलिए इस रेखा को याद दिलाने के लिए रेखा शर्मा जी को इस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। बात समझे, महिला आयोग की स्थापना भी इसीलिए की गई है कि कोई महिलाओं के आत्मसम्मान की भावनाओं को, मर्यादा की रेखा को कोई लांग ना दे, इस रेखा को याद दिलाने के लिए रेखा शर्मा जी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये हर किसी को याद होगा, पहली बार भारत में CDS पद बनाया गया और इस पद पर पहली बार जनरल बिपिन रावत नियुक्त किए गए, ठीक है। नेक्स्ट, वायुसेना अध्यक्ष यानी एयर चीफ, और ये बने हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया। और मैंने बहुत सोचा इसमें कि ऐसा क्या वर्ड देखे कि हमें वायु याद आए, वायु, तो मुझे भदौरिया में उड़िया एक वर्ड दिखाई दिया, उड़िया मतलब उड़ गया, भदौरिया, उड़िया, उड़ गया, और उड़ने वाली बात तुरंत आपको वायुसेना याद दिलाएगी, तो बिल्कुल वायुसेना अध्यक्ष भदौरिया में उड़िया वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, थल सेना अध्यक्ष यानी कि आर्मी चीफ, अब फिर से वही बात कि इसमें हमें कौन सा वर्ड दिखाई देगा कि हम तुरंत पहचान जाएंगे थल सेना से है, तो नर माने में एक नर वर्ड है और वन वर्ड है, नर और वन, तो जो वन होता है वो तो धरती पे ही होता है, आकाश में, पानी पे तो होता नहीं है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और यहाँ पे नर जो वन में घूमते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो कहाँ होते हैं, ज़्यादातर टेररिस्ट जंगल जंगल छुप के आते हैं, वन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप नर, वन, ये सब समझ सकते हैं कि सब कुछ थल से रिलेटेड है, थल सेना अध्यक्ष, क्लियर। नेक्स्ट, नौसेना अध्यक्ष जो कि हैं एडमिरल करमवीर सिंह। आपने एक कहावत सुनी होगी, कौन सी कहावत, नौ कर्म कर देना। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौ कर्म कर देते हैं, मतलब कि गलत सही जो भी हो कुछ नहीं सोचते हैं, सब कर देते हैं, उसको बोलते हैं नौ कर्म कर देना। तो करम से यहाँ पे करमवीर सिंह और नौ से यहाँ पे हमारा आ जाएगा नौ सेना अध्यक्ष। तो ये बिल्कुल आसान है क्योंकि कहावत भी तो आप सुने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं,
रिजर्व बैंक के गवर्नर और ये हैं शक्तिकांत दास। हम सभी जानते हैं और एग्जाम में भी एक दो बार क्वेश्चन आया था कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो वो कौन है? RBI। बैंकों का बैंक मतलब समझ रहे हैं कि सभी बैंकों का पावर, सभी बैंकों का जो शक्ति है वो RBI में ही है। तो RBI की शक्ति से याद आएंगे शक्तिकांत दास, बहुत सिंपल बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है SBI के चेयरमैन और ये बने हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार और SBI में रिलेट करने के लिए मैंने सोचा है कि जिस तरह से SBI जो है सभी बैंकों में हीरो है, सभी बैंकों में, सब तो बैंक हीरो ही हैं लेकिन बैंकों में जो सुपर हीरो है वो SBI है, ठीक उसी तरह हीरो में सबसे सुपर हीरो है वो कौन है? रजनीकांत। तो कह सकते हैं कि SBI जो है सभी बैंकों में रजनीकांत है, यानी कि रजनीश कुमार है, क्योंकि SBI जो है सभी बैंकों में सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे सक्सेस बैंक कहा जाता है SBI को। तो रजनीकांत भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो रजनीश कुमार इसके चेयरमैन, बिल्कुल याद रहेंगे। अब नेक्स्ट 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन बने हैं? NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह, पूरा नाम बोले तो। याद रखने के लिए हम 15 को रिलेट करेंगे NK से। देखिए कैसे, अगर हम कहें कि NK बाद 15 आता है तो क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल है। कैसे? देखिए ABCD के अनुसार N जो है वो 14 नंबर पे आता है, तो अब तो हुआ ना कि 14 के बाद 15 आता है, तो यहाँ से 15 मतलब क्या हो गया? 15th वित्त आयोग, 14 के बाद यानी कि N के बाद, तो NK सिंह हमारे जो नियुक्त हुए हैं वित्त अध्यक्ष वो हो गए। तो क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट रेल मंत्री आपको तो याद ही है। नेक्स्ट भारतीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ये बने हैं VK यादव। इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव, पूरा नाम बोले तो। VK यादव शॉर्ट में लिखिए क्योंकि ट्रिक भी हमारा यहीं से बनेगा। भारतीय रेलवे बोर्ड को अक्सर लोग कह रहे हैं, अभी अफवाह है या सच है नहीं जानते हम, लेकिन कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो बिक चुका है। VK रेलवे बोर्ड को कहा जा रहा है, रेलवे बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है, बिक गया है VK यादव, तो ये हमें याद हो गया यहीं से। क्लियर। नेक्स्ट 21st विधि आयोग अध्यक्ष, 21वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं यानी कि लॉ कमीशन चेयरमैन, वो हैं BS चौहान। BS को हम लिखेंगे बस, अब बहुत हुआ। कभी कभी आपने देखा होगा शादी ब्याह में इतने सारे विधि व्यवहार होते हैं, इतने सारे विधि व्यवहार, अगर वो भी 21 टाइप का विधि व्यवहार, इतने तो थके हुए हारे हुए और 21 को विधि हो जाए तो आप कहेंगे ना बस अब नहीं, तो बस फॉर BS चौहान। आई थिंक ये ट्रिक उतना अच्छा नहीं हो पाया है, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। विधि यानी कि विधि व्यवहार, बहुत सारा विधि व्यवहार, 21 टाइप का विधि व्यवहार, इसलिए हमने कहा बस अब बहुत हुआ, BS चौहान। क्लियर। नेक्स्ट है UPSC अध्यक्ष और ये है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी में आपको दीप वर्ड दिखाई देगा और एक जोश दिलाने वाले जोश वर्ड दिखाई देंगे। तो UPSC जो भी तैयारी करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए है कि वो अपने अंदर इच्छा शक्ति वाले दीप को हमेशा जलाए रखें, प्रज्वलित रखें और साथ में जो भी जोश है उसे बिल्कुल बरकरार रखें, तभी वो सक्सेस हो पाएंगे। जहाँ इसमें ढिलाई हुआ फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो UPSC की तैयारी करने वाले दीप को हमेशा जलाए रखें और जोश बिल्कुल बरकरार रखें, एक दिन सक्सेस होकर आएंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन जो है वह HL दत्तू। दत्तू से हम कर देते हैं देतू, ठीक है, देतू देता जो करना है। तो मानव को अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देतू तुरंत आप पकड़ लेंगे, मानव का अधिकार देना, देतू दत्तू। तो इस तरह से सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। रिविजन कर लिया जाए क्या? चलिए फटाक से रिविजन कर ही लेते हैं। पहला, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सबको मालूम है, उपराष्ट्रपति भी मालूम है श्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष जिसे वाइस चेयरमैन कहते हैं, तो नीति को मैंने वॉइस के जरिए सुना तब जाके राजीव हुए यानी कि राजीव कुमार।
उसके बाद नीति आयोग के सीईओ नीति जो है वो सेव खाने के लिए किसी को बुला रही थी, अमिताव काट। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस में आइस वर्ड है, आइस मतलब कोल्ड होता है, और ऑप्शन में आपको शरद दिखाई देगा, शरद ऋतु ठंडी के लिए, तो भी शरद बोबड़े जी हैं यहाँ पे न्यायाधीश। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे चुनाव में चुन वर्ड देखना है, ऑप्शन में सुन वर्ड होगा तो सुन चुन, सुन से सुनील यादव। भारत के सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पे साली वाले एक गाली वर्ड है, तो आपको ऑप्शन में तुषार में सारे एक वर्ड दिखाई देगा, ये भी एक गाली की तरह ही है, आप याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी, ऑटो वाली बात, ऑटो जो है एक वैन है, तो वैन से वेणुगोपाल याद आएंगे, ऑप्शन में देखेंगे आप। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG काग यानी कौआ, और आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था एक पहाड़ बना करके जो कि गिरी बोलते हैं, चंद्र भी बनाया था, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। BCCI के अध्यक्ष BC यानी कि 20, और ऑप्शन में आपको 100 देखना है, 100 फॉर सौरव गांगुली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि भाला मांग रहे थे, अजीत दोभाल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की आत्मसम्मान वाली रेखा शर्मा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS सबको मालूम है, जनरल बिपिन रावत। वायुसेना अध्यक्ष, वायु से उड़ाव करके भदौरिया। थल सेना अध्यक्ष नरवणे करके हैं, ऑप्शन में देखना है आपको। नौसेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि नौ कर्म कर दिया, करमवीर सिंह। रिजर्व बैंक के गवर्नर, बैंक जो है यह बैंक RBI सभी बैंकों का बैंक है, यानी कि सभी बैंकों का शक्ति है, शक्तिकांत दास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के चेयरमैन, SBI जो है वो सभी बैंकों में सुपरस्टार रजनीकांत की तरह, यानी रजनीश कुमार हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट 15वें वित्त आयोग, तो मैंने बताया था कि 14 के बाद 15 आता है, यानी कि NK सिंह है। नेक्स्ट रेल मंत्री, तो रेल मंत्री को मैंने बताया था पीयूष गोयल, सबको मालूम है। भारतीय रेलवे बोर्ड बिक चुका है, VK यादव। विषय विधि आयोग, किस तरह का विधि, तो हमने कहा बस बहुत हुआ, तो BS यादव। UPSC अध्यक्ष, तो ये UPSC के लिए दीप और जोश, प्रदीप कुमार जोशी। मानव अधिकार आयोग, मानव को अधिकार देना, दत्तू हो जाएंगे, और ये ख़त्म हो गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसे चेक करेंगे कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, वीडियो के नीचे में यदि आपका रेड कलर का बटन है तो मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उसको क्लिक कर देंगे तो वो फेड कलर में हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा कलर उसका, यानी कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट के माध्यम से ही हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, और आगे भी हम आप ही के टॉपिक को हम बनाते रहेंगे। दोस्तों को शेयर करके व्यू जरूर बढ़ाइए वीडियो का, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं इसमें कोई भी मतलब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम व्यू के लिए ही वीडियो बनाते हैं। व्यू आते हैं तो थोड़ा सा ऐड आते हैं तो थोड़ा सा अर्निंग होती है। अगर ये सब कुछ भी फ़ायदा ना हो तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा सोच लीजिएगा आप भी। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप हमें ढूंढ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही सजाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।